सुप्रभात बच्चों, आप सब कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ बच्चों आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे और मैं समझती हूँ बच्चों आप सभी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। बच्चों, हमारे वसंत के 8 लेसन कंप्लीट हो चुके हैं और आज हम लेसन 9 पढ़ेंगे। ठीक है, पार्ट कौन सा पढ़ेंगे? 9। ये पार्ट का नाम है चिड़िया की बच्ची। क्या नाम है बेटा? चिड़िया की बच्ची इस लेसन का नाम है और इसके बेटा लेखक का नाम है जनेंद्र कुमार जी। लेखक का नाम क्या है? जनेंद्र कुमार जी, जिन्होंने इस कहानी को लिखा है। बेटा, इस कहानी में एक सेठ होता है माधवदास और एक होती चिड़िया की बच्ची। ठीक है, जो ये सेठ माधवदास है बेटा, ये बहुत ही संपन्न व्यक्ति होता है। मतलब इसके पास हर चीज की सुख सुविधा होती है। इसके पास नौकर चाकर, कोठी, बाग बगीचे, सारी चीज होती है। इसकी इतनी सुंदर कोठी है कि एक बार कोई उसे देख ले तो क्या होता है, मोहित हो जाता है, उस पर आकर्षित हो जाते हैं। इतनी सुंदर इसकी कोठी है और कोठी संगमरमर के जो पत्थर होते हैं उससे बनी हुई है बेटा। ठीक है, उसकी कोठी के बाहर बाग है। ठीक है, उसमें फवारे चल रहे हैं, बड़े बड़े मतलब पौधे लगे हुए हैं, पेड़ लगे हुए हैं, फूलों के पेड़ हैं, फल के पेड़ हैं, तरह तरह के फल लगे हुए हैं और पौधे लगे हुए हैं उनके बाग में। वो उसकी जो सेवा पानी उसके नौकर चाकर करते थे बेटा, तो एक दिन वो अपने बाग में लेटा हुआ था और अपने जो नौकर था उसका उससे क्या मालिश करवा रहा था, तो तभी एक चिड़िया की बच्ची उस बाग में आई। जो किसका बाग था? सेठ का बाग था। उस बाग में आई और उस बाग में जो पेड़ था उसकी डाली पर जाकर बैठ गई। उसके बाद सेठ ने कहा कि चिड़िया की बच्ची तुम कहाँ से आई हो? तो उसने कहा, वो जो चिड़िया की बच्ची थी वो बेटा डर गई थी। उसने कहा, सेठ जी मुझे माफ कर दो, मैं थक गई थी, उड़ते उड़ते क्या थी, मैं थक गई थी, इसलिए थोड़ा आराम करने के लिए मैं इस पेड़ पर बैठ गई थी, मुझे नहीं पता था ये आपका बगीचा है। तो जो सेठ जी है उसने कहा, कोई बात नहीं, तुम बैठी रहो और मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा यहीं पर ही रहो। ठीक है, उसने कहा कि चिड़िया की बच्ची तुम्हें, जो चिड़िया है उसकी जो बच्ची है उसको कह रहे हैं कि चिड़िया तुम्हें दाना चुगने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा, मैं तुम्हें यहाँ पर सोने के पिंजरे में रखूँगा। ठीक है, सोने के कटोरी में तुम्हें खाने को दूंगा, मेवे दूंगा। मेवे में क्या आते बेटा? काजू, किशमिश, बादाम, ये सब कुछ तुम्हें खाने को दूंगा, लेकिन तुम जाओ मत और यहीं पर रहो। तब चिड़िया कहती है, नहीं, घर पर मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही है, मुझे जाने दो। लेकिन सेठ जी उसको किसका लोभ दे रहे हैं? पैसों का लोभ दे रहे हैं। ठीक है, चिड़िया कहती है, मुझे तो इन सब के बारे में कुछ पता ही नहीं कि ये सब चीजें क्या होती है। जो चिड़िया की जो बच्ची है बेटा, वो इतनी छोटी होती है कि उसको ये नहीं पता कि जो सेठ जी कह रहे हैं कि सोने के पिंजरे में रखूंगा, सोने की कटोरी में, मतलब उसको ये नहीं पता कि सोना क्या चीज होती है। लेकिन वो उसको क्या कर रहा है? लालच दे रहा है, सोने का लालच दे रहा है, पैसों का लालच दे रहा है। ठीक है, और उसको कह रहा है कि तुम यहाँ पे रहोगे तो बगीचा तुम्हारा ही रहेगा। उसके बाद वो चिड़िया की बच्ची कहती, नहीं सेठ जी, मुझे अपनी माँ के पास जाना है। उसके बाद बेटा वो उसको पकड़ने की कोशिश करता है और चिड़िया घबरा जाती है, लेकिन वो उसके हाथ में नहीं आती, सेठ जी के हाथ में। तो चिड़िया उड़ने की कोशिश करती है, तो सेठ जी कहता है कि नहीं नहीं रुको, मैं तुम्हें नहीं पकड़ूंगा, तुम थोड़ी देर मुझसे बातें करो, उसके बाद चली जाना। उसके बाद वो चिड़िया से बातें करता है तो इशारे से जो उसका जो सेवक जो नौकर होता है उसको इशारे से कहता है कि चिड़िया को पीछे से जाकर पकड़ो। जब चिड़िया को पीछे से जाके पकड़ने की कोशिश करता है जो सेवक, तो चिड़िया की बच्ची जो होती है वो इनके इशारे नहीं समझ पाती क्योंकि वो छोटी होती है। उसका मन क्या होता है? साफ होता है, उसे इन सब चीज़ों के बारे में पता ही नहीं होता। और जब उसके जो चिड़िया की बच्ची थी क्या थी? सॉफ्ट थी और बहुत ही सुंदर थी बेटा। उसको चिड़िया की बच्ची को अगर कोई भी देखे तो क्या हो जाता है, उस पर
आकर्षित करती है कि वो सुंदर दिखती है और सॉफ्ट नाजुक है बिल्कुल। उसके बाद जब उसका सेवक उसका नौकर जब उसको पकड़ने लगता है तो उसके हाथ कैसे हैं, कठोर है। जब उसके पंखों पर लगते हैं तो वो डर के उड़ जाती है और सीधा कहाँ जाती है, अपनी माँ के पास जाती है। ठीक है, तो देखो इसमें बताया गया है कि चिड़िया के बच्चे जो है उसने किसको महत्व दिया, अपनी माँ की ममता को महत्व दिया। क्यों दिया? क्योंकि उसको नहीं चाहिए थी धन दौलत, सोने का पिंजरा, सोने की कटोरी में खाना, मेवे, उसको कुछ नहीं चाहिए था। उसे चाहिए था सिर्फ अपनी माँ का साथ, माँ का आंचल। तो इस लेसन में बेटा इतना ही है जो मैं तुम्हें बता चुकी हूँ। ठीक है, अगर इस लेसन में से कुछ समझ में नहीं आए तो तुम पूछ सकते हो। धन्यवाद।